नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। आ चुका है कॉमिक्स अड्डा सा एक और बड़ा सा पार्सल, जिसमें है तौसी के पेपरबैक्स। आई थिंक सेट 5-6 होंगे, और कुछ बिग साइज कॉमिक्स थी तौसी पर संकट, और साथ में कुछ और भी हो सकता है। चलिए ओपन करते हैं पार्सल और देखते हैं इन कॉमिक बुक्स को। आई थिंक कोहराम का कलेक्टर एडिशन है, RCMG का, जो मैंने मंगवाया था। वो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है, इसलिए पार्सल इतना बड़ा लग रहा है आपको। चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं इन बुक्स को। तो दोस्तों, फाइनली अनबॉक्सिंग हो चुकी है और आपके सामने है तौसी का आई थिंक सेट 5, 6, 7, 8 भी आ चुका है अभी रिसेंटली। वो सभी मंगवाना है, अभी तक ऑर्डर नहीं किया है। और यहाँ पे है बिग कॉमिक्स और उसके साथ जो फ्री स्टैंडी था वो भी भेजा है तौसी का। ये देखिए, G18 को हाथ में पकड़ा हुआ है तौसी, कमाल है। इसी के साथ अपना स्टैंडी का सेट पूरा हो गया भाई। तुलसी कॉमिक्स के बड़े बड़े जो भी सुपर हीरोज़ थे सभी अपने पास है, बिग स्टैंडी में आ गए हैं। ये देखिए, कमाल का लग रहा है ना। रखते हैं इसको यहाँ पे। चलिए बिग साइज से शुरुआत करते हैं। तौसी और टनी द ग्रेट, ओके। नामकरण संस्कार, G18 की वापसी और TTT, तौसी टनी तूफान। तो ये तुलसी कॉमिक्स में बिग साइज में, काफ़ी बिग साइज में प्रकाशित हुए थे, और अभी RCMG ने भी इन्हें फिर से पब्लिश किया है। बहुत कमाल के लग रहे हैं दिखने में यार, ये प्रीमियम फीलिंग दे रहा है। बहुत अच्छी प्रिंटिंग हुई है, अंदर एड भी है, बाज और डंकी दादा, ये देखिए। और पेजेस ग्लॉसी हैं, काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग हुई है, फ्लैट कलर्स देखते ही बन रहे हैं। कमाल का आर्टवर्क, मिस नहीं कर सकते आप यार। कदम स्टूडियोज, क्या बात है। पीछे एड्स भी हैं, योशो योगा, क्या बात है। टनी द ग्रेट, TTT। यार मुझे याद है, लाइब्रेरी से इन बड़ी कॉमिक्सों को लाके मैं भिलाई में पढ़ रहा था एक बार। मेरी मौसी ने लाके दिया था, हम घूमने गए थे, तब मैंने पहली बार इन बिग साइज़ कॉमिक्सों को पढ़ा था। काफ़ी अखबार टाइप की बड़ी कॉमिक्स थी यार ये, तो बहुत बढ़िया हैंडी है मैं कहूँगा। प्रिंट बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। इन्हें व्हीलर से ख़रीदने का अलग आनंद आएगा यार, क्या बात है। बिल्कुल कमाल का काम कर दिया RCMG ने और मनोज गुप्ता जी ने भाई। मिस्टर इंडिया, G18 की वापसी, चिर शत्रु है ये तौसी का जो बाद में मित्र बन जाता है। एंड देन वी हैव योगा का एड, बहुत ही बढ़िया मैट फिनिश में कवर्स यार, क्या बात है। ओहो, मिस्टर इंडिया की वापसी, मलिक जी का आर्टवर्क है, मतलब चंदू स्टूडियोज या मलिक जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे कदम स्टूडियोज का शानदार आर्टवर्क है। नामकरण संस्कार, ये बहुत ही अलग कॉमिक्स है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं इसमें, शायद से अंगारा और जम्बू भी ये इसमें आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखना पड़ेगा कौन से पेज पे हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे याद नहीं है, पढ़ा है कहीं, किसी ने कहा था, कुछ तो है मतलब यहाँ पे। आई होप सो, हो कहीं पे कैमियो ही हो उनका, है ना। ये देखिए, अरे ये देख लिया आपने, ये है पेज यार, तो ये बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, समझ रहे हैं आप।
ये देखिए अच्छे से क्लियर व्यू के साथ। नामकरण संस्कार, एक आध कॉपी और ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है तौसी पर संकट, तो ये भी बिग साइज में पब्लिश की है यार। अच्छा, ये नई कॉमिक्स है तौसी की जो 20 साल से प्रिंट नहीं हुई थी और अभी प्रिंट की गई है। साथ में तौसी का एक शानदार सा स्टिकर भी दिया गया है, ये देखिए बढ़िया स्टिकर है यार, है ना। और यहाँ पे RCMG का जो लेटर हेड है उस पर कुछ यहाँ पे लिखा गया है, एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ। साथ में कॉमिक्स यहाँ पे शुरू हो रही है, कदम स्टूडियोज़ का शानदार आर्टवर्क है। तौसी, नगीना और कपाला, तो ये पता नहीं कॉमिक्स कभी आएगी। अच्छा, इंक गैलरी लगता है फिर से काम किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सर्पसत्र श्रृंखला का एक ऐड भी है। और ये तौसी पर संकट बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ तौसी के जनरल कॉमिक्सों की, कौन जीता कौन हारा, टंगी दिख रहा है यहाँ पे, प्रिंट अच्छी हुई, कॉमिक बुक्स पुरानी हैं, जनरल हैं तौसी की। ओके, वी हैव वन मोर स्टिकर हियर, ये देखिए तौसी, क्या बात है। देन मुकाबला, क्रिकेट के चर्चित विवाद, तुलसी पब्लिकेशंस, अच्छा बहुत बढ़िया। जस्टिस जंबू, डायनासोर, ये कवर बड़े प्यारे बनाते थे कदम स्टूडियोज़ का, जो भी आर्टवर्क था बिल्कुल फपता था, चाहे भोकाल की कॉमिक्स हो या चाहे तौसी की कॉमिक्स हो, कमाल का आर्टवर्क बनाते थे यार उन लोग, आज भी बनाते हैं लेकिन आजकल कॉमिक्स के लिए काम नहीं करते, ये अलग बात है। और पथरीला देव, प्रिंट काफ़ी अच्छा हुआ मैट ग्लॉसी के फॉर्मेट में, और प्रिंट कवर भी बहुत प्यारे हुए हैं यार। दो कैदी, कॉमिक्स अड्डा ने बहुत हैंडल विथ क्लियर के साथ भेजा है इस बार पार्सल। पिछला पार्सल में जो बॉबल हेड आया था थोड़ा टूट गया था, तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा था वो, तो उन्होंने इस बात का पूरा फीडबैक लिया मुझसे और काफ़ी अच्छे तरीके से, सेफ एंड सिक्योर तरीके से कॉमिक्सों को उन्होंने इस बार भेजा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। थैंक यू नीलेश जी एंड कॉमिक्स अड्डा, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आशा करता हूँ हम लोग का ये संबंध ऐसे ही बना रहेगा आगे भी। और डेफिनेटली कॉमिक्स के लिए एज अ सेलर और एज अ पब्लिशर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं नीलेश जी। थोड़ा सा यहाँ पे लैमिनेशन आप देखिए, आवाज़ें आ रही हैं हल्की, क्या बात है। तौसी का डंक, थोड़ा सा लैमिनेशन यहाँ पे हल्की हुई है एक आध कॉमिक्स में जो मुझे नज़र आ रही है, हल्की क्वालिटी में फ़र्क है ना। और तौसी, सांपनाथ और नागनाथ, अच्छा नागराज के दो नाग तो नहीं है कहीं, है ना। प्रिंट कहीं कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हुआ है, या फिर पुराना प्रिंट भी ऐसा ही हो सकता है, आई डोंट नो। तौसी की बहुत कॉमिक्स है मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता ओरिजिनल भी ऐसा ही हो, है ना। यहाँ पे है तौसी और जुगनू का इंसाफ, तो तौसी उन्होंने लगभग कंप्लीट करा दी है ना, मनोज जी ने लगभग तौसी ख़त्म है। तौसी की नई कॉमिक्स हैं अब शायद जो नागराज के साथ आ रही हैं वो आएंगी, बट तुलसी कॉमिक्स वाला काम पूरा हो चुका है सब कुछ। यहाँ पे पेरिस में हंगामा, तो तौसी पेरिस भी पहुँच चुका है भाई, पीछे एड्स भी हैं अंगारा के, जम्बू के, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आया तूफान, थोड़ा सा तो ये अलग से थोड़ा देखना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पेपर थोड़ा सा फंस गया है, कवर पे भी है उसका फ़र्क और अंदर भी है, तो थोड़ा यहाँ मैं निराश हूँ RCMG से कि उन्होंने क्वालिटी थोड़ी देखी नहीं, क्योंकि हर कॉपी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पाठक को कोई सी डैमेज कॉपी दे दें, ये थोड़ी सी डैमेज लग रही है मुझे, है ना। अच्छा, जगह जगह से डैमेज है एक्चुअली में,
बहुत बुरा हाल है इस कॉमिक्स का तो यार, आया तूफान है ना, तो ये रिप्लेस कराएंगे अपन है ना। एक आध इतने बड़े पार्सल में एक आध कॉमिक्स डैमेज निकल सकती है, रिलेजी से बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी अंदर भी यही हाल है ना, तो ये आया तूफान कॉमिक्स थोड़ी सी ख़राब निकल गई है ना। देन टनी गायब, ये इस सेट की शायद जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आखिरी तौसी की कॉमिक्स है, और ये काफ़ी अच्छी प्रिंट हुई है, ग्लॉसी पेजेस हैं, कवर थोड़ा सा मोटा है लेकिन बहुत बढ़िया है ना। 90 रुपये प्राइस है, 10% आप लोग लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ तौसी के बेसिकली जनरल कॉमिक्स थी है ना, और यहाँ पे है स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन कोहराम का, और पीछे है नॉवेल्टीज़ का पैक, क्या बात है। चलिए ओपन करते हैं, काफ़ी उत्साहित हूँ मैं इसे ओपन करने के लिए। क्या है नॉवेल्टीज़ में देखते हैं। ओके, अनुपम जी द्वारा बनाया पुराना एड जिसका स्टिकर बना दिया है, बहुत बढ़िया काम। एक बहुत ही बढ़िया स्टैंडी कोहराम के एड का, बहुत बढ़िया यार, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। इस बार मतलब भर भर के नॉवेल्टीज़ मिली हैं यार सभी को, और साथ में एक पोस्टर भी है। क्या है पोस्टर देखते हैं, इंटैक्ट आया सबसे अच्छी बात, पोस्टर अक्सर फट जाते हैं, और ये पोस्टर तो बड़ा कमाल का है यार, इसमें हरू को यूवी पेंटिंग की गई है पोस्टर में। अरे भाई साहब, बहुत चार कदम आगे निकल गए, इसको तो सीधा करके लगाया जा सकता है। अनुपम जी का शानदार आर्टवर्क है, फ्रेम कराने लग गई है, बहुत शानदार पोस्टर है यार ये है ना। नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील, तिरंगा, शक्ति, एंथोनी, कोबी, सभी हैं इसमें, हरु है, सब उस पर वार कर रहे हैं। कमाल का कवर है भाई। ओहो, तो पोस्टर आप देख सकते हैं पीछे भी, काफ़ी स्टर्डी मटेरियल, बहुत बढ़िया काम। ओके, इसे यहाँ पर रखते हैं अभी। चलिए बात करते हैं कोहराम के कलेक्टर एडिशन की, प्रिंट काफ़ी अच्छा हुआ है। कलेक्टर एडिशन में कुछ चमकदार नहीं दे सकते, इसलिए प्रिंटिंग की गई है यूवी वाली, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये बैक कवर है, कुछ फ्रेम्स दिए गए हैं, पैनल बताए गए हैं, और थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। मूल 600 रुपये, 10% आप लेस कर सकते हैं, और अगर आप किसी प्रॉपर वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं जहाँ पे सेल चल रही है या कोई डिस्काउंट है वॉलेट में, तो आपको एडिशनल छूट भी मिल सकती है ना। मनोज गुप्ता की पेशकश संग्राहक संस्करण कोहराम, क्या बात है। ऐड से शुरुआत हो रही है, ये भी ऐड पेज ही था। कैसे जीतेंगे योद्धा ये समर महासमर, जब दुश्मन नज़र ना आए और मचाता रहे कोहराम, ये शब्द थे, आज भी याद हैं, क्या बात है। और ये मनोज जी हैं कोहराम के पेपर बैग के साथ, और राजपृष्ठ 21 यहाँ पे दिया गया है। कुछ एड्स दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे पुराने फ्रेम्स दिए गए हैं, ये पोस्टर, और यहाँ पे कॉमिक्स शुरू हो रही है। ये आवरण पोस्ट है, आप देख सकते हैं, क्या बात है। अनुपम जी का शानदार आर्टवर्क, और एक बहुत प्यारा सा बुकमार्क भी है, ये भी कोहराम का एक ऐड था पुराना यार, कमाल है यार, बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है सभी चीज़ों का, सब कुछ डालने की कोशिश की है करेक्ट एडिशन में, जो कि अच्छा लगा मुझे देख के। बाकी कॉमिक्स के बारे में चर्चा बहुत हो चुकी है, इसके कभी हम ऐड साझा करेंगे कॉमिक्स बाइट के ब्लॉग पर है ना। ग्रीन पेज दिया गया है जो सबसे अच्छी बात है, ओरिजिनलिटी मेंटेन की गई है, और यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा नाम मैनाक बैनर्जी शेडोल है ना, तो भाई हमारा भी नाम था कोहराम में, इसलिए ये कॉमिक बुक मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास है ना। तब कैमरे वगैरह हमारे पास इतने नहीं थे, तो हमने कुछ बना के भेजा था पोस्टर, और क्या बात है कोहराम में नाम आना यार, मतलब बड़ी चीज़ है। और ये देखिए पीछे एड्स भी हैं ओरिजिनल, और बोनस पेजेस आ गए हैं फिर, ये देखिए अनुपम जी का आर्टवर्क अलग ही नज़र आता था यार उस समय, क्या ही आर्टवर्क बनाते थे। आज भी देखिए ये कवर, देखिए क्या कमाल का आर्टवर्क बनाया कवर पे यार, मतलब यार बहुत गजब के आर्टिस्ट हैं यार। ये देखिए कोहराम के एड्स, ये देखिए एड गैलरी, ये भी एड गैलरी,
ये भी एड गैलरी। तिरंगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल था इस कॉमिक्स में, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये कॉमिक वाकई में संग्रहणीय है, अगर आप पसंद करते हैं तो बेशक लें। मैं इसका पेपरबैक भी मंगवाने वाला हूँ, जो कि नए आवरण के साथ और कुछ चमकदार मटेरियल के साथ फिर से आया है। क्या करें, ये कलेक्टर बनना बहुत मुश्किल है यार, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। बट आई लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पैकिंग में आए थे। एक आध प्रोडक्ट डैमेज है, जिसे हम रिप्लेस ज़रूर कराएंगे, है ना, वो हमारा हक बनता है भाई। क्योंकि अनबॉक्सिंग भी करते हैं, अपने पैसों से करते हैं, तो डेफिनेटली अगर कुछ डैमेज चीज़ें आई हैं तो रिप्लेस ज़रूर करवाएंगे हम सेलर को बोल के, जो कि कॉमिक अड्डा है इस बार। और बहुत अच्छा पार्सल भेजा उन्होंने, उनको फुल मार्क्स हैं, उन्होंने मेरा फीडबैक लिया। RCMG ने भी बहुत अच्छा काम किया है इन कॉमिक बुक्स, और मतलब बहुत पसंद आया मुझे तौसी का संकट। और ये जो बिग साइज़ कॉमिक्स हैं यार, क्या बढ़िया काम किया है इस पर। और ये देखिए पोस्टर, बहुत बढ़िया। तो सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत पसंद आए, है ना। आपसे फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी अन्य अनबॉक्सिंग वीडियो पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। कॉमिक्स बाइट।